हेलो गाइस, क्या हालचाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस आज हम भाई अपनी इंडियन बाइक के साथ में यहाँ पे मेगा रैम चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अनमोल भाई अपनी इंडियन बाइक के साथ में भी यार कोई चैलेंजेस कर दिया करो। तो गाइस आज हम भाई इन बाइक के साथ में यहाँ पे करने वाले हैं मेगा रैम चैलेंज। और गाइस ये वाला रहने वाला है भाई अपना मेगा रैम चैलेंज। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस मेगा रैम पे क्या है कि भाई बीच बीच में गैप है, और इस गैप में गाड़ी को भाई दिक्कत भी हो सकती है। हो सकता है भाई कोई कोई गाड़ी भाई इस गैप के थ्रू यहाँ पे नीचे गिर जाए, एंड अगर जो भी गाड़ी मतलब जैसे तैसे करके ही सही भाई ये सारा का सारा सिनेरियो अगर पार कर जाती है, मतलब सारे के सारे मेगा रैम को क्लियर कर जाती है। और उसके बाद गाइस आप लोग यहां पे देख सकते हो ये है गाइस अपने आगे जंप पॉइंट। अपनी बाइक को यहां से जंप लेना है, और ये जो दो सर्कल वाले टायर लगे इसके थ्रू निकलना है, और ये विंड मिल से बचते हुए पहुंचना है गाइस यहां पे, मतलब ये वाला अपना प्लेटफॉर्म बना है, ये है गाइस अपना फिनिश पॉइंट। एंड देखते हैं गाइस अपनी कौन कौन सी इंडियन बाइक जो रहने वाली है वो इस मेगा रैम चैलेंज को गाइस पूरा कर पाती है। तो गाइस वीडियो को फटाफट से यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो गाइस अपनी जो सबसे पहली बाइक है वो है गाइस अपनी हार्ले डेविडसन। एंड देखते हैं यार अपनी हार्ले डेविडसन यहाँ पे भाई अपना मेगा रैम चैलेंज कर पाती नहीं। और हाँ गाइस अभी कुछ लोग मेरे को कमेंट करके ये मत बोलने लगा कि अनमोल भाई ये तो अपनी इंडियन बाइक है नहीं। हाँ गाइस मेरे को भी पता है कि अपनी इंडियन बाइक नहीं है, बट हाँ इस वीडियो में जितनी भी बाइकें यूज करी गई हैं वो अपनी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, और आप ही लोगों की डिमांड पे वो गाड़ियां यहाँ पे ऐड हुई है गाइस गेम के अंदर। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस भाई अपनी हार्ले डेविडसन काफी बढ़िया जा रही है, काफी बेहतरीन। अभी देखते हैं यार ये जंप यहाँ पे ले पाती है नहीं, क्या लग रहा है गाइस क्या ये जंप कर पाएगी। और ये मारा है गड्डी ने जंप, ओके जंप काफी जबरदस्त है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अपने हार्ले डेविडसन जो है वो गाइस अपना फिनिश पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच चुकी है। गाइस देखते हैं भाई अगली बाइक जो है भाई चैलेंज पूरा कर पाएगी या नहीं। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है गाइस अपनी यामा R6। तो देखते हैं यार यामा R6 जो है अपना चैलेंज यहाँ पे कर पाती है नहीं। तो ये चली गाइस अपनी यामा R6, लेट्स सी क्या होता है भाई इस वाली बाइक के साथ में। देखते हैं इसका लक यहाँ पे कैसा रहने वाला है, क्या ये किसी गड्ढे के थ्रू भाई नीचे गिरेगी, मेरे को लग नहीं रहा है। एंड बाकी आप लोग देख सकते हो अपनी बाइक भाई काफी जबरदस्त जा रही है, और स्पीड देख सकते हो गाइस काफी बेहतरीन है यहाँ पे। ओ भाई साहब 300 ऑलमोस्ट, ओके 300 नहीं हुआ है, लेट्स सी ओके 300 पार कर गया। अभी देखते हैं गाइस क्या होता है, और ये मारा गड्डी ने जंप गाइस यहाँ पे। एंड आप लोग देख सकते हो जंप काफी ज्यादा जबरदस्त है, और यहाँ पे भाई अपनी यामा R6 ने भी गाइस जो है भाई अपना चैलेंज पूरा कर लिया। अभी देखते हैं गाइस अगली बाइक कर पाती है नहीं। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है गाइस अपनी होंडा CBR। एंड देखते हैं यार अपनी होंडा CBR यहाँ पे भाई अपना चैलेंज कर पाती है नहीं। तो ये चली गाइस अपनी होंडा CBR यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। और ये मारा गाड़ी ने जंप यहाँ पे, ओके गड्ढे तो भाई काफी आराम से पार करते हुए जा रही है, बट यहाँ पे गाड़ी देख सकते हो काफी ज्यादा डिसबैलेंस ही हो रही है भाई। एंड देखते हैं गाइस क्या होता है, ओके बस गड्ढे के थ्रू, ओके ओके सारे गड्ढे पार कर चुकी है यहाँ पे, वो गाड़ी के इंजन से धुआं निकल गया है गाइस, और आग लग चुकी है भाई अपने होंडा CBR में। और ले भाई ये तो जंप कुछ इतना ज्यादा ऊंचा हो गया कि भाई वो टायर में ही भिड़ गया, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। एंड आप लोग देख सकते हो गाड़ी के इंजन में आग लग चुकी है काफी बुरी वाली, और गाड़ी में से मतलब काफी खतरनाक आग लग चुकी है। बस होप खुली है यार बच जाए। और लो भाई बची नहीं गाइस अपनी जो भाई अपनी होंडा CBR है वो भाई आज के अपने चैलेंज में गाइस यहाँ पे कुर्बान हो चुकी है यार होंडा CBR के लिए। गाइस एक लाइक तो बनता है। गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी बजाज की पल्सर 150। देखते हैं यार ये यहाँ पे भाई अपना चैलेंज पूरा कर पाती नहीं। बाकी यार गाइस अपनी होंडा CBR की भाई कुर्बानी को आप लोग बर्बाद मत जाने देना, उसके लिए भाई फटाफट से आप लोग जाकर वीडियो को लाइक करो, और जो लोग चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी करो। एंड बाकी गाइस देख सकते हो भाई अपनी जो क्या बोलते हैं 150 है काफी बढ़िया जा रही है भाई पल्सर, और देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन। ओ भाई साहब गड्ढे में गिरने वाली थी, बच गई थी यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। और ये मारा गाड़ी ने जंप गाइस, ओके विंड व्हील वगैरह सब कुछ पार कर गया, बट यहाँ पे टायर पे गाड़ी टच हो गई थी, क्या लग रहा है। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे भाई अपनी बजाज पल्सर 150 ने भी जो है भाई अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। मेरे को तो भाई लगा था फेल होने वाली क्योंकि टायर में टकरा गई थी, बट फिर भी भाई अपनी जो बजाज पल्सर है वो गाइस अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कर चुकी है। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी सुजुकी की हायाबूसा, और देखते हैं यार अपनी हायाबूसा यहाँ पे भाई अपना चैलेंज कर पाती नहीं। वैसे काफी ज्यादा हैवी वेट बाइक है, बट हाँ भाई पावरफुल भी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत खतरनाक बाइक है गाइस अपनी हायाबूसा। एंड आप लोगों ने इसका साउंड तो भाई सुना ही हो भाई, क्या ही साउंड निकालती है। और ये क्या हुआ, अरे भाई साहब गाइस भाई मैंने बोला था काफी हैवी वेट बाइक है, बट भाई मेरे को लगा था कर जाएगी, बट यार गाइस यहाँ पे अपनी हायाबूसा जो है भाई फेल हो चुकी है। एंड आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है भाई नीचे गिर चुकी है।
एंड ये भाई हायबुसा के लिए काफी ज्यादा मतलब सैड बात है। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो अपनी अपाची 310R और देख सकते हो भाई काफी बढ़िया लग रही है भाई अपनी टीवीएस की जो अपाची 310R है। एंड ये भाई एक सुपर बाइक है गाइस, लेट्स सी देखते हैं भाई सुपर बाइक यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। एंड भाई हायबुसा के साथ तो गाइस पता नहीं क्या हुआ, मैं बातों में इतना ज्यादा खोया था मैंने ध्यान नहीं दिया भाई उसके साथ हुआ क्या था, बस इतना पता है गाड़ी गड्ढे के थ्रू नीचे गिर चुकी है और यहाँ पे भाई अपना चैलेंज में फेल हो चुकी है। एंड भाई ओके अपाची तो काफी सही जा रही है और स्पीड भी देख सकते हो काफी जबरदस्त है। और ये मारा अपाची 310R ने जंप यहाँ पे, ओके सर्कल तो सारे पार कर गए, ओके गाइस फिनिश पॉइंट पे भी पहुंच चुकी है। बट गाड़ी के इंजन से आप लोग देख सकते हो भाई धुआं निकल गया, मतलब स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि भाई सीधे इंजन में से ही धुआं निकल गया। एंड देखते हैं गाइस अगली बाइक जो है भाई अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कर पाती है नहीं। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो अपनी BMW की 1000RR एंड लेट्स सी देखते हैं जो अपनी BMW की बाइक है वो यहाँ पे भाई अपना मेगा रैम चैलेंज पूरा कर पाती है नहीं। एंड ये गाइस मेगा रैम चैलेंज काफी ज्यादा हार्ड भी है क्योंकि आप लोगों को देखने में इजी लग रहा होगा बट एक्चुअल में काफी हार्ड है क्योंकि आप लोग देख सकते हो अगर बाइक गलती से भी गड्ढे में गिरी ना तो भाई सीधा चैलेंज में फेल ही होने वाली है। बट ज्यादातर जो बाइक है भाई अपना चैलेंज यहाँ पे पूरा कर ही रही है। एंड आप लोग देख सकते हो भाई अपनी जो BMW काफी बढ़िया, ओके मेरे को लगा था भाई गिरने वाली है बट नहीं बच गई थी वहाँ पे। एंड यहाँ पे भाई गाड़ी ने मार दिया है जंप, वो भाई साहब विंड व्हील भाई फटका मारने ही वाली थी बट इसका लग बोल सकते हैं काफी बढ़िया था एंड इसीलिए बच भी गए। और आप लोग देख सकते हो गाइस अपनी BMW 1000RR ने भी अपना जो चैलेंज है वो यहाँ पे भाई पूरा कर दिया है। तो गाइस ये वाली बाइक को तो भाई कौन ही नहीं जानता होगा क्योंकि ये तो भाई इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है और भाई साहब पंजाब में तो भाई इसकी क्या ही चर्चे है इस वाली बाइक के। एंड पटाखे भैया जो छोड़ती है ना भाई क्या बताऊं भाई, दिवाली के पटाखे इसके आगे फेल है, मतलब इसके साइलेंसर जो पटाखे निकलते हैं ना दिवाली के भी पटाखों को इसने फेल कर रखा है गाइस। लेट्स सी भाई जो अपनी बुलेट है वो यहाँ पे भाई अपना चैलेंज कर पा रहे भैया, ये तो ज्यादा ऊंची उड़ गई है, गड्ढे में नहीं आ रहे है यार गाइस। यहाँ पे भाई अपनी बुलेट जो है भाई क्या ही बताओ यार, मतलब मेरे को लगा था भाई कर जाएगी बट यहाँ पे इसकी किस्मत हम आज बोल सकते हैं काफी ज्यादा मतलब बेकार है। एंड देख सकते हो अपनी जो बाइक है गाइस वो भाई आज के चैलेंज में गाइस फेल हो चुकी है। गाइस अपनी अगली बाइक है भाई कावासाकी निंजा ZX10R और ये सुपर बाइक भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड लेट्स सी देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल तो आप लोग देख सकते हो बाइक जो है काफी बढ़िया जा रही है, बस होपफुली गड्ढे में किसी ना गिरे। एंड आप लोग देख सकते हो भाई काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो रही है। एंड लेट्स सी क्या होता है, ओके काफी बढ़िया हो गड्ढे में नहीं गिरी है। एंड देखते हैं गाइस क्या होता है, स्पीड देखते हो भाई सब 450 ले, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा दिक्कत, मतलब स्पीड का भी मतलब एक रोल है गाइस यहाँ पे, मतलब ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, मतलब ठीक ठाक स्पीड हो तभी बाइक जो है भाई कर पाएगी। ज्यादा स्पीड में आप लोग देख ही सकते हो भाई क्या हो गया, भाई सर्कल के थ्रू निकल रही थी गलती से टकरा गई, अभी वहां तक तो ये नहीं पहुंचने वाली, मतलब इतने में क्या ही जम लेगी, काफी दूर है गाइस अपना फिनिश पॉइंट। लेट्स सी यार पहुंचेगी तो नहीं मेरे को लग रहा है, आओ देखते हैं क्या होता है। ले ये तो पार भी ना निकल पा रही है गाइस यहाँ से। तो गाइस अपनी निंजा ZX10R की मतलब जो स्पीड है आज भाई उसकी वजह से भाई अपनी निंजा ZX10R जो है भाई अपने चैलेंज में यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो गाइस अभी बारी है भाई अपनी यामा RX 100 और ये वाली बाइक तो भैया इतनी पुरानी बाइक है, मतलब क्या बताऊं अब तो आनी भी शायद बंद हो चुकी है गाइस। लेट्स सी देखते हैं भाई क्या होता है अपनी यामा RX 100 के साथ में। एंड ये देख सकते हो भाई बाइक जो है काफी बढ़िया जा रही है यहाँ पे, एंड काफी ज्यादा हल्की बाइक है, मतलब 100cc की बाइक है तो वेट भी काफी ज्यादा लाइट, मतलब लाइट वेट बाइक है, काफी बढ़िया जा रही है, स्पीड भी ठीक ठाक है भाई साहब 100cc के बाइक के बावजूद आप लोग देखते हो स्पीड बहुत बढ़िया है भाई। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है गाइस, क्या ये पहुंच पाएगी, आओ देखते हैं गाइस। यहाँ पे गाड़ी ने जंप तो मार दिया है बट क्या लग रहा है, ओके 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 नहीं 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 गाइस यहाँ पे भाई अपनी यामा RX 100 की स्पीड शायद इनफ नहीं थी, मतलब कुछ तो सीन हुआ है इसके साथ में, मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ है। स्पीड तो मतलब ठीक ठाक थी बट पता नहीं क्यों बाइक जो है मतलब जंप जो है भाई प्रॉपर नहीं कर पाई। एंड इसीलिए गाइस जो अपनी यामा RX 100 है वो भाई आज के अपने चैलेंज यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो गाइस अगली बाइक है भाई अपनी DC Splendor और भाई साहब ये वाली बाइक तो भाई क्या ही बताओ, मतलब इंडिया में तो भैया इसका जो क्रेज है ना चाहे जी भाई किसी और कंट्री में हुआ, मतलब ये बाइक भाई मॉडिफाइड होकर तो भाई जो जहर लगती है ना भाई क्या ही बताऊं। एंड आप लोग देख सकते हो भाई अपनी जो स्प्लेंडर काफी बढ़िया जा रही है। एंड देखते हैं गाइस क्या होता है, ये भी भाई काफी ज्यादा मतलब लाइट वेट बाइक है 100cc के इंजन के साथ आती है गाइस। एंड लेट्स सी क्या होता है, एंड ये देख सकते हो काफी बढ़िया जा रही है, गड्ढे में नहीं ओके गड्ढे में नहीं गिरी है गाइस। देखते हैं भाई क्या होता है स्प्लेंडर के साथ में, ये चली अपनी बाइक यहाँ पे और ये मारा गाइस स्प्लेंडर ने जंप यहाँ पे और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अपनी स्प्लेंडर की भी शायद स्पीड उतनी ज्यादा इनफ नहीं रही। एंड इसी वजह से यार जो अपनी स्प्लेंडर है
वो गाइज भाई आज के अपने चैलेंज में यहाँ पे भाई फेल हो चुकी है। तो गाइज अपनी जो अगली बाइक है वो अपनी KTM RC 200 और देखते हैं यार जो अपनी KTM RC 200 है वो यहाँ पे भाई अपना मेगा रैम चैलेंज पूरा कर पाती है नहीं। तो ये चलिए गाइज अपनी बाइक यहाँ पे और काफी ज्यादा बढ़िया स्पीड से जा रही है एंड गड्ढे काफी बढ़िया से पार करते हो जा रही, मतलब जो अपना गैप है ना काफी बढ़िया से बाइक पार कर रही है। बस थोड़ी सी बाइक डिसबैलेंस हो रही है हल्की सी, बट ठीक है चल रही है अच्छी बात है और बस देखते हैं क्या होता है। ओ भाई साहब अभी मेरे को लगा था गई बट बच गई गाइस। लेट्स सी क्या होता है गाइस अपनी KTM के साथ में। ये मारा गाड़ी ने जंप यहाँ पे और क्या ये पहुँचेगी, क्या पहुँचेगी। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी जो KTM है भाई वो यहाँ पे भाई अपना फिनिश पॉइंट पे पहुंच चुकी है एंड देखते हैं गाइस अगली बाइक जो है भाई अपना चैलेंज पूरा कर पाती है नहीं। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी KTM Duet 1219 और ये वाली बाइक तो भाई बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक बाइक है गाइस ये, बहुत ज्यादा है भाई। इसकी स्पीड देखो, अभी स्पीड देख रहे हो, स्पीड अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे देखो गाइस स्पीड भाई निंजा ZX10R को बीट जो करती है ना वो यही वाली बाइक है एंड देख सकते हो स्पीड यहाँ पे जो है 300 अभी ही पार कर रहा था इसने, वो तो भाई गाड़ी के टायर जमीन पे लग नहीं रहे ना, मतलब अपने ट्रैक पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई 300 प्लस की स्पीड से मारा है जंप और जंप काफी ज्यादा परफेक्ट है और सीधा भाई फिनिश पॉइंट पहुंचने वाली है एंड आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया और स्मूथ तरीके से भाई अपना चैलेंज भी इसने पूरा कर दिया है। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी यामा R15 और देखते हैं यामा R15 कर पाते नहीं क्योंकि R6 तो भाई कर चुकी है एंड लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। एंड ये चली गाइस अपनी यामा R15 काफी बढ़िया जा रही है भाई, बस वो खुलिए किसी गड्ढे में ना गिरे, बट आप लोग देख सकते हो गाड़ी जो है भाई काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो रही है भाई। वो नहीं नहीं नीचे मत गिरियो, नीचे नहीं गड्ढे में नहीं, ओके गड्ढे सारे क्रॉस हो चुके, ओके बच गया था यार। एंड ये मारा जंप, ओके स्पीड बहुत ज्यादा थी और सेम सिनेरियो है भाई निंजा ZX10R जैसा, मतलब उसकी भी स्पीड ज्यादा थी तो इसीलिए वो टकरा गई थी और ये भी जो है भाई यहाँ पर टकरा चुकी है। तो देखते हैं गाइस अगली बाइक जो है भाई कर पाती है नहीं। तो गाइस अपनी अगली बाइक है अपनी डुकाटी V4 और देखते हैं यार डुकाटी V4 जो है भाई अपना चैलेंज पूरा कर पाती है नहीं। क्या लग रहा है गाइस डुकाटी V4 कर पाएगी, आओ देखते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक स्पोर्ट्स बाइक है ये एंड देख सकते हो काफी बढ़िया जा रही है, बट यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके गड्ढे में नहीं गिरा, ओके गड्ढे में नहीं गिरी है और ये मार दिया गाड़ी ने जंप। लो भाई ज्यादा स्पीड होने का भी अपना नुकसान है गाइस, मतलब ज्यादा स्पीड हो रही है तो आप लोग देख ही सकते हो, मतलब बैक टू बैक मतलब तीन बाइक एक ही लोकेशन पे आके भाई जो है लैंड हुई है एंड उनकी मतलब मेन रीजन है वो यही है कि गाड़ी की जो है भाई स्पीड ज्यादा थी और इसीलिए उनके साथ स्कैम हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो अपनी बजाज पल्सर NS 200 और देखते हैं यहाँ पे NS 200 कर पाती है नहीं क्योंकि अपनी जो 150 है भाई वो तो कर गया, अभी देखते हैं भाई 200 कर पाती नहीं। क्या लग रहा है गाइस NS 200 कर पाएगी, आओ देखते हैं भाई। मेरे को तो लग रहा है कर जाएगी भाई साहब, यहाँ पे बाइक काफी बढ़िया है और भाई स्पीड भी अच्छी खासी है इसकी एंड देख सकते हो, बस ज्यादा स्पीड हो गई तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। एंड क्या लग रहा है, क्या लग रहा है गाइस, क्या होगा इसके साथ में, आओ देखते हैं। एंड ये मारा बाइक ने जंप यहाँ पे, लेट्स सी क्या। अरे लो भाई विंड व्हील ने भैया इसको धोखा दे दिया, मतलब विंड व्हील नहीं चाहती है कि भाई अपनी बजाज की पल्सर NS 200 है वो इसको मतलब जो चैलेंज है उसको पूरा करे और इसीलिए भाई उसने इसको फटका मार दिया और इसीलिए जो अपनी बाइक है गाइस वो भाई अपने चैलेंज में यहाँ पर फेल हो चुकी है। तो गाइस अपनी लास्ट बाइक बची है और ये है अपनी निंजा S2 एंड देखते हैं यार जो अपनी निंजा S2 है वो भाई अपना चैलेंज यहाँ पर पूरा कर पाती है नहीं क्योंकि भाई निंजा ZX10R के साथ तो गाइस स्कैम हो चुका है, देखते हैं यार निंजा S2 कर पाती है नहीं। एंड ये चली गाइस अपनी निंजा S2 यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है, क्या लग रहा है गाइस कर पाएगी या नहीं, आओ देखते हैं भाई। एंड ये चली गाइस अपनी बाइक यहाँ पे, ओके काफी बढ़िया एंड देखते हैं क्या होता है और क्या लग रहा है, स्पीड बढ़िया है ठीक ठाक है, ओके गाड़ी ने जंप तो मार दिया मतलब बाइक ने अपना और यहाँ पे सीधा भाई लैंडिंग होने वाली है गाइस इसका फिनिश पॉइंट पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो आज अपनी इतनी सारी बाइकों में से बस यही वो बाइकें हैं जिन्होंने भाई अपना चैलेंज पूरा करा है, वरना बाकी की सारी जो बाइक है वो गाइस आज के अपने चैलेंज में यहाँ पे फेल हो चुकी है। एंड बाकी यार गाइस जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। एंड बाकी गाइस मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।